उदयपुर वाटी में मधुमक्खियों ने किया हमला, 50 से अधिक लोग हुए गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। उदयपुर वाटी कस्बे के साकंबरी रोड पर स्थित मोजरावाला कुआं से सेवानिवृत्त कर्मचारी महावीर प्रसाद सैनी की शव यात्रा लेकर शमशान घाट पहुंचे थे। इसी दौरान अंतिम संस्कार में शामिल हुए लोगों पर घूम चक्कर शमशान घाट पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिसमें करीब 60 से 70 लोगों पर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसमें 108 व निजी एम्बुलेंस व निजी गाड़ियों से अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां भर्ती करवाया गया। सूचना के बाद उदयपुर वाटी अस्पताल प्रभारी व उनकी टीम तुरंत मोर्चा संभालते हुए घायलों का इलाज किया। फिलहाल सभी घायलों की स्थिति कंट्रोल में है। डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ लगातार घायलों व्यक्तियों का इलाज कर रही है, वहीं मॉनिटरिंग की जा रही है। अंतिम संस्कार में शामिल हुए लोगों पर अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिससे घायल लोगों को अस्पताल में लाया गया, जहां फिलहाल इलाज जारी है। अभी तक स्थिति कंट्रोल में है, फिलहाल सीकर रेफर करने वाली कोई स्थिति नहीं है। अंबरी रोड पे जो गायत्री गौशाला के पास में शमशान घाट था, तो वहाँ दाह संस्कार करने के लिए बड़ी संख्या में लोग गए थे। दाह संस्कार शुरू भी नहीं किया था, उससे पहले ही मधुमक्खियों का जो छत्ता था गई थी। करीब 50-60 के लगभग लोगों को मधुमक्खियों ने डंक मारे। हालात अभी सबके ठीक है। अभी उदयपुर वाटी CSE में सभी पीड़ितों को भर्ती करवाया गया, इलाज जारी है और सबकी स्थिति बिल्कुल ठीक है। कोई घर करने वाले इस प्रकार की स्थिति अभी तो है नहीं, सभी को काबू में कर लिया। ये उदयपुर वाटी तहसील से रिटायर्ड थे महावीर प्रसाद जी सैनी, उनके दाह संस्कार। मैं डॉक्टर निमेश गुप्ता CHC प्रभारी जिला। अभी 12:15 के बाद में मुझे फोन पे सूचना मिली कि यहाँ साकंबरी रोड पे कोई मधुमक्खी का अटैक हो गया, जिसके चलते बहुत सारे पेशेंट आपके हॉस्पिटल में पहुँचने वाले हैं। तो मैंने तुरंत यहाँ सबको अलर्ट कर दिया, जो आजू बाजू में स्टाफ और रहते हैं जो ऑन ऑफ ड्यूटी हैं उनको भी बुला लिया। बहुत सारे वार्डों ने मुझे व्यवस्थाएँ कर दी, जो भी रिक्वायर्ड IV फ्लूड्स हैं, इंजेक्शन है, ड्यूटी अलॉट कर दी, डॉक्टर्स अपॉइंट कर दिए। अभी अपने पास लगभग 50 से ऊपर पेशेंट भर्ती हैं और सबके लिए अपने वार्ड खोल दिया और अभी प्रेजेंट में स्थिति कंट्रोल में है। किसी तरह की कोई कैजुअलिटी अभी हुई नहीं है, ऐसी कोई बात है नहीं। और कितने पेशेंट लगभग स्टाफ बराबर लगा हुआ है, टीम पूरा काम कर रही है, आगे की स्थिति और क्लियर कर दी जाएगी। अभी 50 से ऊपर पेशेंट अपने पास IPD में भर्ती है और उनके लिए आवश्यक सुविधाएं अपन जो कमियां हैं उनकी पूर्ति कर। अभी क्या स्थिति है फिलहाल? कोई अभी स्थिति एकदम कंट्रोल में है। रिक्वायर्ड IV फ्लूड इंजेक्शंस, ड्यूटी स्टाफ, डॉक्टर्स सब अपने पास अवेलेबल हैं और इनका निरंतर इलाज चल रहा है। रेफरल की भी स्थिति कोई बनी नहीं है और हर वार्ड में अपने डॉक्टर अपॉइंट कर रखा है। कोई डॉक्टर अपने को बताएगा कि रेफरल है तो उसको रेफरल की सारी व्यवस्था अपने कर रखी है।